रुद्रपुर से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक युवक को ऑनलाइन गेम की लत ने क्रिमिनल बना दिया। जानकारी के अनुसार युवक ऑनलाइन गेम खेलते खेलते इतना कर्जदार हो गया कि उसने कर्जा चुकाने के लिए लोगों से झपटमारी करने शुरू कर दी। वहीं लोगों की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया है, जहाँ से कोर्ट ने आरोपी युवक को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। तो पूरे मामले का खुलासा करते हुए SP क्राइम चंद्रशेखर घोड़के ने बताया कि ट्रांजिट कैंप थाना क्षेत्र के आवास विकास में लगातार युवतियों से मोबाइल छीनने के मामले सामने आ रहे थे। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी नवदीप सिंह को गिरफ्तार किया है, जो बिंदुखेड़ा रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र का रहने वाला है। आरोपी ने बताया कि ऑनलाइन गेम खेलता था, जिसमें उस पर 8,000 रुपये का कर्जा हो गया था। उसको चुकाने के लिए उसने महिलाओं और युवतियों से परस मोबाइल की झूमा झपटी शुरू कर दी। वहीं पुलिस ने आरोपी के पास से 8 मोबाइल फ़ोन बरामद किए। साथ ही घटना में इस्तेमाल की गई बाइक और महिलाओं के पर्स भी बरामद किए गए हैं। रुद्रपुर से मुकेश मंडल की रिपोर्ट। हाँ, 5 जनवरी 2023 को एक मामला सामने आया था, जिसमें एक तहरीर हमें प्राप्त हुई थी कि झपट्टा मार के एक लड़की का बैग छीन लिया गया है और उसमें उसका मोबाइल और बैग जो है वो चोरी कर लिया गया है। इसमें हमने तुरंत मुकदमा पंजीकृत करके ट्रांजिट कैंप थाने में मुकदमा पंजीकृत किया और इसके अनावरण हेतु टीम गठित की, जिसका नेतृत्व उप निरीक्षक नीमा बोरा द्वारा किया गया। इसमें टीम ने प्रभावी कार्रवाई करते हुए एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है, जिसका नाम है नवदीप सिंह पुत्र दयाल सिंह। ये बिंदुखेड़ा का रहने वाला है और इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये खुद BCOM ऑनर्स है, पढ़ा लिखा है।